ये रेलवे स्टेशन का आप लोग फिशपुर रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं। यहाँ बहुत ही शांति है, बहुत ही आराम है, कोई नहीं है, दिखे कोई शोर शराबा भी नहीं है, पूरा शांति से। हे हे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन साथियों। तो मैं आज आप लोगों को ऐसे जगह लेके आया हूँ, ऐसा प्यारा रेलवे स्टेशन आप लोगों को लेके आया हूँ। यहाँ से यही है इंडिया का, मतलब इंडिया का कोने का एक हिस्से का लास्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से और आगे ट्रेन नहीं बढ़ेगा, यही है लास्ट रेलवे स्टेशन। मतलब जंगल, चारों तरफ जंगल के बीच में है ये रेलवे स्टेशन। यहाँ आप लोगों को संख्या भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और एक बात बताऊँ मैं आप सबको, यहाँ से जो भी यात्रा करता है, मतलब टैक्सी वगैरह में जाने से 100 रुपया लग जाएगा, मगर यहाँ से फ्री जितना भी यहाँ पैसेंजर देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, कम से कम 100 रुपया 200 रुपया तो यात्री फ्री करते हैं। यहाँ से कोई भी पैसा नहीं रहता, ऐसे फ्री फ्री में लोग चढ़ते हैं यहाँ से। मतलब ऐसे कहा जाए तो मतलब फ्री वाला रेलवे स्टेशन यही है। तो आप लोगों को दिखाऊँ मैं पीछे का नज़ारा, कितना प्यारा है। मतलब यहाँ पूरा फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा आप लोगों को, यहाँ कोई गाड़ी उड़ी का मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरी तरफ में आप लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। देखिए मतलब चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के बीच में है ये रेलवे स्टेशन। देखिए देखिए कितना नज़ारा, प्यारा नज़ारा है ये देखिए। यहाँ से चाइना ज़्यादा दूर भी नहीं है, कम से कम 200-300 लगभग किलोमीटर यहाँ से चाइना के लिए। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है ये देखिए घर भी नहीं है आजू बाजू में ज़्यादा, छोटे छोटे ऐसे झुपड़ी है यहाँ पर, झुपड़ी ऐसे ही है। मतलब इस तरफ भी देखो जंगल पहाड़, इस तरफ भी देखो आप लोगों को पहाड़ी नज़र आएगा, इस तरफ में भी देखो इस तरफ में भी पहाड़ी नज़र आएगा। तो आगे चल के देखेगा कितना साफ सुथरा है आगे में भी, मतलब कोई कागज़ का टुकड़ा तो आप लोगों को नज़र ही नहीं आएगा, जो उधर में छोटा छोटा ये दिखाई दे रहा है वो सब पत्ता, ये पैर का पत्ता पड़ा हुआ है वहाँ। बहुत ही नीट एंड क्लीन है यहाँ पर। ये देखिए वहाँ पर एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल, वो देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं, कूद रहे वहाँ पर। देखिए इस तरह से देखिए वहाँ पर कितना सुंदर नज़र आए। ये देखिए कितना प्यारा नज़र आए। ये देखिए यहाँ से आगे तो और कोई ट्रेन नहीं जाता है, यही है लास्ट ट्रेन जाने का रास्ता, यहाँ में ख़त्म हो जाता है। यहाँ से और आगे कोई ट्रेन नहीं जाएगा। ऐसे तो इंडिया में पूरे कोने कोने में है ऐसी जगह, लेकिन हमारे तरफ से यही है लास्ट रेलवे स्टेशन। ये देखिए इस तरह नज़र आए। तो आज मैंने मेघालय जाने के लिए सोचा था, मेघालय का रास्ता तो आज तक खुला ही नहीं है, आसाम और मेघालय बॉर्डर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मेघालय से आसाम से मेघालय के लिए बस टैक्सी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई भी गाड़ी नहीं जा सकता है, हमारा प्राइवेट गाड़ी भी नहीं जा सकता है वहाँ, क्योंकि वहाँ अभी प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं अभी आसाम में फंसा हूँ, मेघालय जाने के लिए कुछ भाई लोग ने पूछ रहा था मेघालय का, वीडियो दिखाओ, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ अभी आसाम में, मतलब पड़ा हुआ हूँ पास के, अभी जाऊँगा जब वहाँ का मेघालय का भी रास्ता खुल जाएगा तो वहाँ भी चला जाऊँगा। ये देखिए इस तरह का नज़ारा है। ये रेलवे स्टेशन का आप लोग फिशपुर रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं। यहाँ बहुत ही शांति है, बहुत ही आराम है, कोई नहीं है दिखे, कोई शोर शराबा भी नहीं है, पूरा शांति से लोग आते हैं, बैठते हैं, ट्रेन को थोड़ा टाइम के लिए वेट करते हैं, जैसे ट्रेन आएगा फिर ये सब ट्रुंग ट्रांग थोड़ा साउंड होने लगेगा और इसके बाद फिर ट्रेन चलने लग जाएगा। वो नंबर वन प्लेटफॉर्म है
और इस तरफ मिलेगा आप लोगों को नंबर 2 प्लेटफॉर्म, और इसके बाद इधर मिलेगा आप लोगों को बिल्कुल फ्री जगह। इसके इस तरफ में कोई भी और कुछ नहीं है। तो एक ही पैसेंजर है इस तरफ में, इधर में कुछ लोग है, बाय लोग 3 लोग है शायद। इधर में मिलेगा आप लोगों को ओवर ब्रिज, मतलब सेकेंड प्लेटफॉर्म से आप लोग को जाकर 1 नंबर प्लेटफॉर्म में जाने के लिए मिलेगा आप लोगों को एक ओवर ब्रिज, और इसके बाद नीचे में एक छोटे से दुकान मिलेगा, वहाँ आप लोगों को कुरकुरे वगैरह, पानी वगैरह और कुछ यहाँ का लोकल कुछ सुपारिया है, कुछ उसको तमुल पान कहते हैं यहाँ के लैंग्वेज से, वो मिलेगा, पानी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और कोई दुकान नहीं मिलेगा इधर में आप लोगों को, सिर्फ एक ही दुकान मिलेगा उस कोने पर। तो यही है लास्ट एंड। तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।